नीट परीक्षा के पेपर लीक मामले को लेकर नहीं थम रहा हंगामा, परीक्षा को रद्द करने की हो रही है मांग। प्रतियोगी परीक्षाओं के पेपर लीक का मामला अब धीरे धीरे तूल पकड़ता दिखाई दे रहा है और यह अब सियासी रंग में बदल रहा है। बता दें कि अब तक कई परीक्षाओं के पेपर लीक हुई हैं। इस दौरान नीट यूजी की परीक्षा का पेपर भी लीक हो गया था। इसको लेकर अब तक हंगामा जारी है। दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने नीट की परीक्षा को रद्द करने की मांग की है। साथ ही हजारों कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पेपर लीक और भ्रष्टाचार के खिलाफ भाजपा के मुख्यालय पर प्रदर्शन भी किया। देवेंद्र यादव ने केंद्र से मांग की है कि 24 लाख छात्रों के हितों को देखते हुए तत्काल प्रभाव से सरकार नीट की परीक्षा को रद्द कर दे। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि हर विषय पर मन की बात कहने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नीट यूजी परीक्षा के पेपर लीक पर छात्रों के भविष्य के साथ हुए खिलवाड़ पर एक शब्द भी नहीं बोलना चिंताजनक है। उन्होंने कहा, हम युवाओं की आवाज बनकर एक मजबूत लड़ाई शांतिपूर्ण तरीके से लड़ने आए हैं। जब तक इसका अंजाम नहीं दे देते, वे चैन से नहीं बैठेंगे। पूर्व सांसद डॉक्टर उदित राज, दिल्ली सरकार के पूर्व मंत्री मंगत राम सिंघल, डॉक्टर नरेंद्र नाथ, डॉक्टर योगानंद शास्त्री, हारून यूसुफ, प्रोफेसर किरण वालिया, पूर्व विधायक अनिल भारद्वाज समेत कई वरिष्ठ नेता एवं हजारों कार्यकर्ता मौजूद रहे। कांग्रेस कार्यकर्ता हाथों में 24 लाख छात्रों को न्याय दो न्याय दो, भाजपा हाय हाय, नीट परीक्षा का पेपर लीक, मोदी कहते सब कुछ ठीक, 24 लाख छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ आदि नारे लिखे तख्तियों के साथ नारेबाजी भी करते नजर आए। कांग्रेस को इस तरह के प्रदर्शन करते हुए देखते हुए दिल्ली पुलिस ने भाजपा मुख्यालय के बाहर खड़ी सुरक्षा की व्यवस्था कर दी। प्रदर्शनकारियों को भाजपा मुख्यालय की तरफ बढ़ने से रोक दिया गया। साथ ही कई कांग्रेसी नेताओं को गिरफ्तार भी तय किया गया और सभी को समय पर बदली पुलिस स्टेशन ले जाया गया और थोड़ी देर बाद सभी को छोड़ दिया गया।